book in my hand. Yeah. Okay, so ma'am, आपका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है रामानंद सागर जी के साथ में और आज फाइनली ये बुक जो है वो लॉन्च की गई है तो सबसे पहले तो अपने रिश्ते के बारे में उनके साथ में थोड़ा सा. सो पापा जी के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता था. वो मुझे आज पता चला कि ही वॉज 70 व्हेन ही मेड रामायण, क्योंकि ऐसे लगता था कि शायद 20-25 साल बड़े होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. वेरी फुल ऑफ ह्यूमर एंड ही कुड टॉक टू एनीबडी ऑन एनी टॉपिक ऑन एनी लेवल. बच्चे के साथ बच्चे हो जाते थे, बूढ़े के साथ बूढ़े हो जाते थे. वेरी क्लेवर, इंटेलिजेंट, बट समबडी जिसको हम कह सकते कि ही हैड हिज ओपिनियंस but he was always witty, he was always happy and he always wanted people to be comfortable. मतलब जैसे उनके घर से अगर खाना भी आया ना, माई रूम वॉज नेक्स्ट टू हिज रूम, तो वो हमेशा उनका ये होता था कि भाई सीते को बुलाओ, उसको ये पसंद आएगा. मेरी मम्मी मेरे लिए थेपला बना के भेजती थी. सो ही वुड ऑलवेज, अच्छा दीपिका आ गई है, सीता आ गई है, मम्मी के थेपले खाओ. सो ही ऑलवेज वॉज फुल ऑफ लाइफ. मतलब विजनरी तो हैं, क्रिएटिव हैं, बहुत बड़े मतलब इंसान है, वेरी लिटरेट, बट ही हैड अ बेबी क्वालिटी इन हिम विच यू कुड रिलेट टू, which is very very human. अब normal ये लगता है कि इतने बड़े इंसान हैं जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया तो कोई बहुत attitude होगा, but he would come down to your level and अगर अगर मेरा shooting नहीं हुआ, अगर मैं room में बैठी हूँ शाम तक, तो वो एक चक्कर मार के जाएंगे, shooting नहीं है क्या कर रही हैं, that kind of a relationship he would develop with his actors and he always had time for everybody. मतलब सबके room में जाके hi hello करते थे. So मतलब काम भी करते थे, लिखते भी थे एंड ही वुड मेक श्योर कि हिज पीपल आर कंफर्टेबल. रामायण तो बहुत सारी बनी लेकिन इसको किसी ने रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि वो रामानंद सागर ने बनाई है इसलिए वो रिप्लेस नहीं हो सकती है. आई थिंक जो पापा जी का जो मैजिक है इट कैन नॉट बी रिप्लेस, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्टर्स लिए, जो ही उन्होंने जो क्रिएट किया है, आई थिंक जैसे सब कहते हैं कि तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी, तो आई थिंक उनका नाम उन्हीं के साथ आना चाहिए. सो आई थिंक व्हाट ही हैज क्रिएटेड टुडे इज एब्सोल्युटली इन द लेवल्स ऑफ तुलसीदास जी एंड वाल्मीकि. डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ एंड उन्होंने मेरे बहुत स्क्रीन टेस्ट लिए, हालांकि मैं उनके होम प्रोडक्शन में दोनों सीरियल्स कर रही थी, विक्रम बैताल एंड दादा दादी, एंड मेरे लास्ट स्क्रीन टेस्ट पे देन आई एम लाइक आई हैड डिसाइडेड कि पापा जी बस अब बहुत हो गया, अब मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं देने वाली हूँ. एंड कट करके ही जस्ट कॉल्ड मी फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई सीते. एंड दैट्स द थिंग दैट आई स्टिल रिमेंबर. एंड उसके बाद ही इज़ ऑलवेज कॉल्ड मी सीते. I don't want to talk politics at this moment. I think it's a very tricky subject, but yeah, I definitely support to a large extent. मतलब है उसमें नुक्स हैं, but I definitely don't think कि जो हो रहा है इस वक्त is correct. There are a lot of things in the bill which I think is worth supporting. सिर्फ दो ही लाइनें हैं. एक है दिस बुक हैज बीन रिटन एज पुत्र धर्म एंड एज पितृ री. नहीं, कभी सोचा नहीं था. 2002 में मैं पापा जी को रात को सुलाने के बाद नोट्स लेता था और 2004 तक मैंने अपने नोट्स लिए और वो अपनी अंदर की जो दर्द थी, अंदर जो उनके जख्म थे, अंदर जो वो मतलब लहू बहता था उनका, वो किसी को नहीं दिखाते थे. पता नहीं मेरे भाग्य में क्या था, शायद उनको एक फोरसाइट थी कि ये पुत्र उनका ये सब लिखेगा या उनको उनका नाम दुनिया भर में लेके जाएगा. ये मेरी कल्पना है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता. बट मैंने रात को 2004 तक नोट्स किए एंड उनके दो घंटे मैंने पापा जी से कहा अपनी टेप रिकॉर्डिंग तो कर दो,
वो दो घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने दो साल लिए, आज मूड नहीं है, आज शाम को करते हैं, आज मेरी शूटिंग है, ये नहीं कि मूड नहीं था, वो पर्दा खोलना ही नहीं चाहते थे, वो लोहे का पर्दा था। पता नहीं मेरे साथ उनका क्या एक आत्मिक रिश्ता था, सोलमेट थे या पिछले जन्मों का रिश्ता था, तो मुझे इतनी चीज़ें कह गए जो शायद मुझे ऐसे लगता है इस धरती पे किसी को ना पता हो। तो मैंने कोशिश की है, मेरी बहुत कमियां होंगी और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ठीक किया है कि गलत किया है, क्योंकि इतनी प्राइवेट चीज़ें उनकी, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो कभी डिस्कस नहीं किए जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताए। मैं लिखूं कि ना लिखूं ये कश्मकश में रहा, बट फाइनली मेरा पुत्र शिव सागर, उसको मैं दाद देता हूँ, उसने कहा नहीं पापा ये करना ही है, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो तीन चार राइटर्स लाया, मैंने कहा ये बिल्कुल बेकार है, ये पापा जी के बारे में कोई लिख ही नहीं सकता अनलेस उनके करीब उनके साथ रहा हो। फिर ये कश्मीर भाग गया तो जो उनके पापा जी के परदादा थे लाला शंकर दास, वो मनसुख भाई, वो लाला शंकर दास, वो नगर सेठ थे, तीन तीन राजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, सबकी रियासत में वो सबसे अमीर आदमी थे। 500 एकड़ उनकी ज़मीन थी इन पहलगाम एंड इन टंगमर्ग, उनके गांव थे, उनके पास घोड़े थे, स्टेबल्स थे, बेस्ट ऑफ घोड़े थे। उधर गया तो उनका जो मतलब जो पैलेशियल मैंशन थी वो अभी भी थी, तो शिव उनकी फ़ोटोग्राफ लेके आया। उधर लोगों से मिला जिन्होंने हिस्ट्री सारी ट्रेस की 1830 से 2000 पापा जी तक 2005 तक, तो पूरी हिस्ट्री पूरी, उसने इतना मुझे काइंड ऑफ ब्लैकमेल किया ये करना ही है करना ही है करना ही है। फाइनली मुझे लगा कि कोई एक डिवाइन मैसेज है कि उनकी जो जिंदगी जो उनकी जीवनी है ये मेरे पास नहीं रह सकती, ये विश्व भर में जाना चाहिए, क्योंकि विश्व कुटुंबम, ये सारी धरती में जो लोग रहते हैं वो एक फैमिली है। और क्योंकि पापा जी ने जो लाइफ की फिलॉसफी मुझे बताई थी वो शायद किसी को ना पता हो, वो था साक्षी भाव, विटनेस लिविंग, जैसे रजनीश ने कहा है कि करता होते हुए भी धरता होना, धरता होते हुए भी करता होना, तो वो उनकी जो फिलॉसफी थी टोटल इन्वॉल्वमेंट, पिता पति राइटर मेकर, एंड उसके बावजूद ऊपर से देखना ये कौन है रामानंद सागर, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो जब उनको टीवी हो गई, जब उन्होंने देखा, इतनी करीब से मौत देखी, तो उनके मन में आया कि ये ज़िंदगी एक बुलबुला है, ये ज़िंदगी को सिर्फ एज ए विटनेस देखना चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी की सारी जो बैलेंस लाइफ थी इट वॉज जस्ट साक्षी बात। एंड सनातन धर्म वो किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, हमेशा था हमेशा रहेगा। जैसे झूठ बोलना, चाहे आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, वो गलत है तो गलत है। द बेसिक टेनमेंट्स ऑफ सनातन धर्म जो उन्होंने मतलब मुझे सिखाया बताया, मैं बड़ा, ये भी एक भाग्य होता है कि ऐसी कोख से पैदा होना और ऐसे पिता मिलने, उसके लिए मैंने जो बुक है अपनी पूज्य माता जी पे, डेडिकेट किए हैं, क्योंकि जो जीवन देती है, जीवन देती है, उसका आप ऋण कैसे चुका सकते, वो आपको इस धरती पे लाई ताकि आप अपनी कार्मिक साइकिल को चेंज कर सकें, ताकि आप एक बेटर आत्मा बन के आगे जा सकें। जय श्री कृष्ण। I've had
वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ पापा जी. मतलब पापा जी मुझे आज मैंने मुझे पता चला कि जब उन्होंने रामायण बनाई ही वाज 70, वो ऐसे लगते थे कि मुझसे शायद 20-25 साल ही बड़े होंगे. एंड ही टू कीप मेकिंग फन ऑफ मी कि उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ क्योंकि मेरे बाल नहीं है, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ. एंड दैट्स हाउ ही वुड कम्युनिकेट विद मी. मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़े के साथ बड़े, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ह्यूमर. जैसे हमेशा खुश रहते थे. अगर मेरी शूटिंग नहीं हुई शाम को, अगर होती थी ऐसे नज़र आए कि भाई सीते नहीं है, कहाँ है सीते भाई कमरे में, तो ही वुड कम टू माई रूम टू से अरे क्या कर रही है, सब ठीक है ना, आज तो शूटिंग नहीं है. सो ही वुड ट्राई टू मेक स्मॉल कॉन्वर्सेशन एंड ही वुड मेक श्योर कि एवरीबडी इज़ लुक्ड आफ्टर. मतलब उनको ये लगता था कि ये मेरा परिवार है एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम. ये कभी भी उनको ये नहीं था कि भाई मैं रामानंद सागर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, जो होना है वो होगा एक्टर का. आई मीन ही कुड हैव गॉट अवे विद दैट एटीट्यूड, बट ऑलवेज टेकन केयर, ऑलवेज टुक केयर. इनफैक्ट जब कभी कभी ऐसे होता था कि मेरी गाड़ी नहीं आती थी बॉम्बे से मुझे पिकअप करने के लिए, तो पापा जी ये पूछते थे भाई सीते तो कैसे जा रही है मुंबई. सो दैट वॉज द कंसर्न ही वुड हैव, ऑलवेज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी ह्यूमन, वेरी ह्यूमन. I want to say that Sagar Saab kind of a person is very, very rarely comes in the world, you know. And he is the person who was probably born to give the world what he has given. And I think we all come with a purpose, and he has come with the purpose, he did his purpose, and we all were the part of that purpose. And I tell you one thing, this, as long as cinema is there, as long as this television will be there and his name will be always written with the golden words, and Ramayan will always will be remembered, and it nobody can replace this Ramayan as far as I can see. But there are many Ramayans are being, you know, announced that they will be making a Ramayan and all that, but no, nothing, because the dedication what he had and you can say that the involvement what he had was unimaginable. I mean, like, we can just can't think it. And my experience, personal experience, was very different with him. Like, you know, I had two type of experience with him. One on screen, other was off screen. And on screen, my experience was totally different. Off screen, he used to joke with me. You know, I remember once I had a very funny letter, kind of a letter which is not possible to describe. Some girl has written to me from Nepal as my fan, and she had dreamt a lot of nonsense with me and all that kind of a thing, and which she described in a letter. So I showed that letter to Papaji. I said to Papaji, look, Lakshman is supposed to be, you know, God's kind of a goddess image kind of a thing. See what impression the people are getting it. So very jokingly he said, enjoy it. Very rarely people get this kind of a, you know, female fans and all that. And definitely this character, I don't know why, but has always had a lot of female fans. And this is, I'm thankful to, like, people crave for this kind of a, you know, adulation kind of a thing. But I was fortunate. Now, that time until date, I still get that kind of a adulation from the girls and the ladies and all that. They want to talk to me, they want to meet me, and they want to have a, you know, word with me kind of a thing. They want to photograph with me. I don't know why, but I'm really thankful to Sagar Saab, who has given this kind of a character, this kind of a description to this this particular role. And at times, I feel that this character, in certain scenes, has overshadowed a lot of other characters also. Like especially the Agni Pariksha scene was there, when towards the Uttar Ramayana, when Lakshman is leaving the Ram and all that kind of thing. Because he was more probably human, and he had a lot of human feeling. That's why he fought. He fought with whom he idolized. Ram he idolized, but he fought with Ramayana, Ram also at times, you know. And I had a wonderful experience, and God bless his soul. And I'm thankful for Premji for getting me to this camp. And he will always be very close to me, and always regard him as my family. Of course. Thank you. I'll, 1 minute. I fully agree with Sunil. 1 minute, please. Papaji was born to make Ramayana,
and that is the mudda, that is the focus of this book also. When he was just 25 years old and he had got TB and he was given up for dead, for sure death, staring at him. That is when ek tantrik aaya, Swami Nityanand ji, and unhone kaha ki tu jab 80s mein hogi to tu Ramayan banaye. फिर 1972 में गुवाहाटी में हम जब कामाख्या मंदिर गए तो उधर एक छोटी सी लड़की आई और पापा जी को टैप किया और बोली कि वो बाबा उधर बैठे ना, वो आपको मिलना चाहते हैं. तो पापा जी तो सबको नमस्कार करते थे, साधुओं को बड़ा मान देते थे. तो जैसी आगे गई वो लड़की गायब हो गई, मैं साथ में थी, ये वाक्या है. और उधर गए तो एक बहुत ही डिवाइन कोई एक साधु बैठा हुआ था. उसकी आंखों में कोई चमक ही अलग थी. उसने पापा जी को देखा जैसे कि ट्रांसमिट किया हो. पापा जी ने कहा कुछ सेवा, कुछ नहीं कहा. पापा जी ने कहा कुछ, वो एक्चुअली महाअवतार बाबा जी थे जो इस 80s में हम जब कोहिनूर की शूटिंग करने गए तो एक तूफान था, तो सारा यूनिट अटका हुआ था. तो एक नीचे झोपड़ी थी गंगा किनारे, तो पापा जी ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा कि उनको बोलो कि थोड़ी देर, मतलब लेडीज़ हैं, पना दे दे हमको, एक बरसात हो रही है, तूफान है. तो उसने जब कहा तो उसने बोला कौन है, बोले फिल्म एक, बोले भाग जाओ मैं तो बस में कर दूंगा. तो वो असिस्टेंट भागा और जाते जाते वो तांत्रिक ने पूछा कि उसका नाम क्या है. बोले रामानंद सागर. बोले ओ माय गॉड, भैया मैया मेरे को माफ़ कर दे, रामानंद सागर ये कैसे, अरे अरे उनको बुला. उसकी जो दिन की भिक्षा थी उस ऑफर की, बाहर गया, पापा जी को घूरता रहा, पत्ते तोड़े एंड पानी में डाला और जैसे ब्रांडी से ज़्यादा मतलब उसकी फरमाइश आ गई. एंड पापा जी सरप्राइज, हम सरप्राइज, एक साइड में भस्म करना चाहता और एक साइड में माफ़ी मांग रहा है, तुम रामानंद साहब, तुम रामानंद, तुम राम. बोले तुम 1972 में गुवाहाटी गए थे? बोले तुमको एक लड़की ने बोला था? बोले कहते उसने कहा था वो बात, कहते वो बाबा जी. तब रिवील हुआ, मेरे पास उनका एड्रेस भी है, उनकी समाधि पे भी गया था उससे. एंड ये क्योंकि मैं था तो ये हकीकत है. मैं बोलना चाहूँगा, देखो जो प्रेम जी ने लिखा है, एक बेटा अपने बाप के साथ, ये जॉइंट फैमिली का जो क्या जो होता है ना, जॉइंट फैमिली, सागर फैमिली, सारे एक घर में एक साथ, पापा जी, पापा जी के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब साथ में रहते थे, साथ में खाते थे. और जो बेटे को बाप के साथ रिलेशन है, बहुत लकी हैं, साथ में रहे हैं. तो एक एक चीज़ सागर साहब की इनको पता है. और मैं जब इनके घर में जाता था तो पूरे बड़े बड़े ना, ये वहाँ से लेके यहाँ तक कृष्णा जी, राम जी, श्री, मतलब अलग अलग भगवानों की फ़ोटो हर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक लगी रहती थी. और तभी गॉड का एक जो बोलते हैं आशीर्वाद आया और रामायण बनी है. ना कभी वापस कोई बना सकता है और ना ये TRP कभी लाइफ में इसकी टूट सकती है. और TRP क्या होती, 30-40 पता ही नहीं क्या होती थी. आजकल तो 2-3 में खुश होते हैं, उन्होंने पता ही नहीं क्या थी. तो देयर इज नथिंग लाइक रामायण. एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस बुक. वी रिमेंबर हिम, आई हैव स्पेंट टाइम विद हिम. तुमने जो कहा, हाँ, हम सब एक साथ रहते थे. बिल्कुल. एक बार वो श्रीराम बोरा जो प्रेसिडेंट थे इम्पा के, तो उन्होंने कहा कि सागर परिवार एक चौल में रहता है, 35 लोग रहते हैं, नौकरों विक्रों. Not only that, इतना बड़ा बंगला. I have always given an example of Sagar family to people. कि look, joint family, just listen and see the Sagar family. How beautiful they live. And each member of the family takes a responsibility to look after the entire other members for every month and all that. And it was a beautiful. It was a really the example for joint family, which is very rarely you get to see. बड़ा टेबल था, बड़ा टेबल. ये मैं एक, बोलो. बड़ा सुन, बड़ा बड़ा टेबल था खाने का और 24 घंटे एक बड़ा खाना यहाँ से लेके वहाँ तक एक डब्बा होता था. डब्बा खोलो और खाना निकालो और टेबल पे खाना खा लो. 35 लोग हैं साथ में तो खा नहीं सकते, लेकिन सारे के सारे आई थिंक एकजुट होके रहना. तो कोई सागर विला जाके वहाँ जाके सीखा होगा. हम लोग ने बचपन में बहुत खुशी होती थी ऐसे घर में जाने से. आई थिंक इट वाज वंडरफुल. एक जैसे इन्होंने कहा, एक चमत्कार एक और बताता हूँ.
मैंने तो कभी सुना नहीं, अगर किसी ने सुना हो तो बताइए। सागर विले के गेट के बाहर एक दिन वॉचमैन ऊपर भागता आया, अरे पापा जी नीचे चलो, मम्मी जी नीचे चलो, कोई शेव कर रहा है, कोई टावल में है, हम सब नीचे भागे और देखा एक सफ़ेद रंग की गंगा मैया, अपना एक सफ़ेद रंग की गौ माता, उसने अपना एक बछड़ा सागर विला के गेट पे दिया। मैंने ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। फिर लगा कि शायद यही कामधेनु थी जो ब्लेस करने आई थी पापा जी को एंड और परिवार को कि ये रामायण बनाएंगे, उसके बगैर नहीं हो सकता था। गाय आपके मतलब दरवाजे पे आके हम गुड़ लेके आए, उसको साफ किया, उसका ख्याल रखा, मम्मी ने घी पिलाया, तो मतलब इस तरह के ये किताब में इस तरह के अद्भुत इंसिडेंसेस हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन था पापा जी का। ये आत्मा सिर्फ रामायण बनाने के लिए पैदा हुई थी। डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई बिलीव आल्सो। आई बिलीव जय हो।